प्रिपरेशन अभी ये रखना है कि 10वें दिन महाशिवरात्रि के दिन सोना नहीं है। मेंटल तैयारी, मानसिक तैयारी ये रखिए कि पूरा रात हमने जगना है, लेटना नहीं है महाशिवरात्रि के दिन। मैम क्यों हाँ नहीं लेट सकते महाशिवरात्रि वाले दिन? ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। चलो देखते हैं। तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ये हमारा स्पाइन होता है। इंसान में और एनिमल्स में, पशु पक्षी में यही एक अंतर है कि पशु पक्षी के सारे के स्पाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल होते हैं और इंसान का स्पाइन जो है ये इरेक्ट रहता है। जब हम बैठते हैं, जब हम खड़े रहते हैं, तब लेटते हैं, सोते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, पर ये पूरे बॉडी के हिसाब से इरेक्ट रहता है। एंड दैट इज द वन डिफरेंस विच मेक्स अ डिफरेंस कि हम इंसान होने के बाद में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पाइन इरेक्ट है। और उससे क्या होता है, दिस एक्ट्स लाइक एन एंटीना। तो भगवान के जो एनर्जीज है ये हम एनर्जी स्पाइन के जरिए रिसीव कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। चल समझो ये एक कंटेनर है। हाँ, ये ऊपर से अगर बरसात हो रही है, ये ऐसा है खुला मुंह जो है ऊपर है आसमान के तरफ, तो इसमें पानी आएगा, जमा होगा, राइट? ये अगर ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, ऐसा भी हो गया, ऊपर से बरसात हो रही है तो इसके अंदर कुछ पानी जमा होगा? नहीं होगा ना। ऐसे ही भगवान के जब आशीर्वाद आते हैं तो ये सहस्त्रार चक्र और हमारा जो स्पाइन है, बेसिकली दैट स्पाइन के ऊपर ही सारे चक्र भी है। अभी चक्र अगर हम देखेंगे तो हमें पता है मूलाधारा चक्र से लेके सहस्त्रार चक्र तक के 7 चक्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी इंटरसेक्ट होती है। पर सिर्फ 7 चक्र नहीं है, एक्चुअली तो 114 चक्र है। पर 7 चक्र इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये 3 इंटरसेक्शंस जो है, 3 नाड़ियों का इंटरसेक्शन वहां पे है। तो ये भी जो चक्र है, ये अगर आप ऑपरेशन करेंगे किसी इंसान को, जो भी है बॉडी काटेंगे, तो क्या चक्र दिखेगा? ऐसा कुछ गोल गोल घूम रहा है, ऐसा कुछ मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। फिजिकल लेवल पे नहीं है ये स्पिरिचुअल लेवल पे पर है ना। तो ये स्पिरिचुअल लेवल पे सूक्ष्म जो है, इतने सूक्ष्म स्तर पे है, फिजिकल स्तर पे वो नहीं दिख पाता है, बिकॉज फिजिकल लेवल सूक्ष्म नहीं है, स्पिरिचुअल लेवल उससे ज्यादा सूक्ष्म है। स्पिरिचुअल लेवल पे फिजिकल चीज दिखेगा, फिजिकल लेवल पे स्पिरिचुअल नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल लेवल ऊपर है। अभी समझ लीजिए, अभी जैसे मैं अभी 7वें मजले पे हूँ, आप भी एक ऊंचे बिल्डिंग के अंदर है, वहां से अगर आप नीचे देख रहे हैं तो आपको नीचे का पूरा दिखेगा। पर वही नीचे से अगर इंसान या आप अगर नीचे चले जाए और वहां से ऊपर देख रहे हैं, तो क्या आपको ऊपर का सब दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो ऊपर के लेवल पे जब हम होते हैं तब निचला सब दिखता है। स्पिरिचुअल लेवल से वैसे ही फिजिकल लेवल की चीजें दिखेंगे, बट वाइस वर्सा नहीं होगा। फिजिकल लेवल से हमें स्पिरिचुअल लेवल की चीजें जो है ये हमें नहीं दिखेंगे। इसलिए एज वी गो हायर वो सूक्ष्म होता है और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम जब ये रिसीव करते हैं हमारे स्पाइन से सारी चीजें, जो कि फिजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, चक्र भी है ये फिजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हैं, पर स्पिरिचुअली प्रूफ कर सकते हैं, हुआ है, लोगों ने बताया है अनुभव उनके, तो वो अगर हम समझ लेंगे तो खुद के बॉडी को अलाइन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के एनर्जीज अभी आते रहते हैं, और वो डिवाइन एनर्जीज अगर हम कैच कर सके, इस 8-10 दिन अगर हम साधना ठीक से कर सके, तो सालों साल की जो साधना है ये हम, या जो डिवाइन ग्रेस हम हासिल कर सकते हैं बहुत सालों में, वो सिर्फ 10 दिन में कर सकते हैं महाशिवरात्रि के वक्त। नवरात्रि के वक्त हम 9 दिनों में कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग तिथियों के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन सुमेधा? अगर हमारा स्पाइन लेट जाएगा तो हम आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर सकेंगे जो महाशिवरात्रि के दिन आते हैं। यस मैम, थैंक यू। या वेलकम।